जहां एक तरफ जब हमारे जहन में पुलिस का नाम आता है तब पुलिस की जो छवि होती है वह नकारात्मक ही नजर आती है, क्योंकि पुलिस पब्लिक से सबसे ज्यादा संपर्क में रहती है। पुलिस मारपीट, वसूली, गुंडागर्दी की तस्वीरें सोशल मीडिया व टीवी पर देखने को आसानी से मिल जाती हैं। पर वहीं कुछ पुलिसकर्मी ऐसे भी होते हैं जो ऐसे लोगों पर सवाल खड़ा करते हैं, जो पुलिस को गुंडागर्दी, दबंगई को लेकर बदनाम करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं संबल के धनारी थाना प्रभारी सत्येंद्र भड़ाना की। हम आपको बताते चले कि जिस दिन से देश में कोरोना संक्रमण ने अपना जाल बिछाया है उसी दिन से पूरे देश के साथ साथ जनपद संबल में भी लॉकडाउन घोषित है, जिसके बाद से आम जनता के साथ साथ आवारा पशुओं पर भूख का बड़ा संकट खड़ा हो गया था। पर वहीं एसपी यमुना के निर्देशन पर धनारी थाना प्रभारी सत्येंद्र भड़ाना ने थाना क्षेत्र में आवारा घूम रहे गोवंशीय पशुओं को पकड़कर उनके लिए थाने में ही खाने पीने की व्यवस्था कर दी है। लगभग 150 से अधिक पशुओं को प्रतिदिन इंस्पेक्टर सत्येंद्र भड़ाना खुद खाना खिला रहे हैं। साथ ही जो पशु किसानों के खेतों में लगे तारों से घायल हो रहे हैं उनके लिए उपचार की व्यवस्था भी थाने पर ही करवाई गई है। लॉकडाउन में पशुओं के लिए खाने पीने की दिक्कत होने पर थाना प्रभारी ने खल, भूसा आदि सामान का स्टॉक कर रखा है, जिससे कि आने वाले समय में भी पशुओं को कोई दिक्कत ना हो। वहीं थाना प्रभारी की इस पहल को लेकर चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। संभल से संवाददाता सदाम हुसैन की रिपोर्ट। सर, यहाँ पर जो गायों की सेवा की जा रही है सर, तो किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लॉकडाउन में? ये विशेष रूप से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से कुछ दिक्कतें बढ़ गई हैं। बाहर भी कहीं इस तरह की चारे वारे की व्यवस्था कहीं मिलती नहीं है, तो यहीं व्यवस्था की गई है। भूसे का एक स्टोर कर लिया गया है भूसे को, और सुबह शाम दोनों टाइम सब लोग, पुलिस वाले सब मिलकर इनकी चारे की व्यवस्था करते हैं। पानी के लिए इनकी होद बनाई गई है, आपके पीछे की तरफ भी है, तीन जगह हमने होद बनवा दी है। एक यहाँ आप देख रहे हो मेरे पीछे, यहाँ होद बनी हुई है और एक इसके पीछे भी है। ये सब अलग अलग इनके ग्रुप हैं गाय के, जो करीब 120 के आसपास सब गाय छोटी बड़ी सब हैं, जो अलग अलग ग्रुपों में रहती है। कुछ आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये यहाँ है, इसके पीछे बिल्डिंग के पीछे चले जाओ तो वहाँ छाए में भी एक ग्रुप उनका होगा। सब अलग अलग रहती हैं और यहाँ फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। आपस में लड़ झगड़ के चोट भी लगवा लेती हैं तो हम डॉक्टर साहब को कॉल कर लेते हैं, मरहम पट्टी सारी चीज़ें इनकी कराते हैं यथासंभव। सर, क्या ये अपनी पुलिस अपनी तरफ से ही इनकी व्यवस्था करती है? सब अपने लोग, सर सबका कंट्रीब्यूशन है, अपने हिसाब से सब लोग करते हैं, जिसका जो श्रद्धा है उसी हिसाब से सभी योगदान करते हैं। भूसा मंगवा लेते हैं, उसके साथ साथ जो इनके रातब की व्यवस्था है वो भी करते हैं। भूसा भी हमने स्टोर कर लिया है, क्योंकि अब इन दिनों में आसानी से भूसा मिल जाता है, तो अभी स्टोर कर रखा है दो कमरों में। लॉकडाउन के चलते आप भूसे का पहले से स्टोर कर? जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.